हाँ भाई बच्चा लोग, तो आप लोगों ने इस रॉकेट को देखा। अब आप सारे के सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे कि सुनील सर हम अपना वाटर रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टीच यू टू फैब्रिकेट योर ओन वाटर रॉकेट एट होम एंड एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो टीच यू द साइंस बिहाइंड दिस। तो मैं आपको इसके पीछे का साइंस भी बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो बच्चा लोग, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले एक 2 लीटर का वाटर बॉटल चाहिए, दैट इज हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का आता है ना, 2 लीटर का वाटर बॉटल वो ले लीजिए और उसको आधा पानी से भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? एक बाइसाइकिल का एयर पंप चाहिए। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई आपने पैर से जो भरने वाला आता है बाइसाइकिल का, ठीक है ना, बाइसाइकिल में हवा भरने के लिए जो पंप आता है, या तो वो ले लीजिए, या जो हाथ से फिल करने वाला पंप आता है वो ले लीजिए। उससे आप बेसिकली स्कूल में फुटबॉल या बास्केटबॉल को भी भरते होंगे, वो वाला पंप चल जाएगा, ठीक है। तो ये पंप आप ले लीजिए। एंड एक बाइसिकल का जो वॉल्व आता है, ठीक है ना, या तो ड्यूनलप वॉल्व आप ले लीजिए या आप स्क्राडर वॉल्व ले लीजिए, कोई भी आपको वॉल्व जो मिल जाता है, दोनों में से कोई भी वॉल्व ले लीजिए। आपको टेक्निकल नाम्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आप दुकान पे जाएंगे, जो रिपेयर की शॉप होती है, उसको बोलिए भैया एक वॉल्व दे दो मेरे को बाइसिकल वाला, तो 10 रुपए का आपको वॉल्व ऐसा का ऐसा आपको दे देंगे, ठीक है। तो 3 बेसिक चीज है। पहले तो एक 2 लीटर की वाटर बॉटल चाहिए आपको, उसको आप आधा पानी से भर दीजिए। बाइसिकल का एयर पंप चाहिए और एक बाइसिकल का वॉल्व चाहिए, ठीक है। 3 बेसिक सी चीजें चाहिए। यहां पर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। वाटर बॉटल फॉर श्योर आपके घर पर होगी। बाइसिकल का एयर पंप या तो स्कूल में अवेलेबल होगा, किसी दोस्त के पास अवेलेबल होगा, वहां से उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सेटअप को आपको लगाना किस तरीके से, ये यहां पर आर्ट है। तो ये पानी की, मेरे को लगता है वाटर बॉटल को तो सारे के सारे बच्चे हैं, या जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इसको सारे के सारे बच्चे आधा फिल कर देंगे पानी से। इतना तो सबसे बेसिक टास्क है, ये हो गया हमारा ओवर। अब हमें करना क्या है कि जो आपका वॉल्व होता है ना, इसका जैसे ये वाला जो, ये जो इसका मेन पार्ट है, राइट, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और इसका बिल्कुल एकदम बैक वाला पार्ट है। जो बैक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा सर्कमफेरेंस उसका बड़ा होता है। तो मान लो कि मुझे यहां से, ये मेरे पास बॉटल कैप है, मैं यहां पर जो होल करूंगा वो इसका, यानी जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके रिस्पेक्ट में करूंगा। ये मैंने होल किया और इसको यहां से मैं एकदम बाहर निकालूंगा, तो ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली यहां पर फंस जाएगा। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली यहां पे फंस जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये ऑटोमेटिकली यहां पर देखिए अंदर क्या है, ये फंस जाएगा। तो आपको जो होल क्रिएट करना है इस बॉटल कैप के अंदर, वो इसके रिस्पेक्ट में करना है। ये वाला जो मैंने आपको दे रखा है ना, इसके रिस्पेक्ट में आपको इतना होल आपको बॉटल कैप में क्रिएट करना है, ताकि ये वाला पार्ट पास कर सके। इस वाले पार्ट को जैसे ही आप निकालेंगे तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली यहां पे बॉटल में स्टक हो जाएगा। ये तो निकल नहीं सकता क्योंकि जो होल है वो इसके रिस्पेक्ट में, जो ये वाला पार्ट है इसके रिस्पेक्ट में बनाया गया, ये ऑटोमेटिकली यहां पे फंस जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक वाटर बॉटल को आधा पानी से भर दिया है, कैप के अंदर हमने बाइसिकल का वॉल्व लगा दिया, अच्छी तरीके से फिट कर दिया। अब बॉटल को इसके अपनी बॉटल के ऊपर रखिए और इसको मस्त तरीके से आप बंद कर दीजिए। तो ये सेटअप आपको किस तरीके का दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आपको फिर उसको लगाना किस तरीके से वो भी बता देता हूं। ये आपकी वॉटर बॉटल है बेटा, ठीक है, वॉटर बॉटल विद आपका क्या, विद बाइसिकल वॉल्व। ये बाइसिकल वॉल्व के साथ आपकी वॉटर बॉटल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका एयर पंप है, राइट। तो ये आपको सेटअप यहां पर अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा, ये एयर पंप और ये वाटर बॉटल विद बाइसिकल वॉल्व। इस तरीके से आपको सेटअप को फिक्स करना है। आई होप ये दिख रहा होगा। ये वाला आपके पास क्या है, एयर पंप है, ठीक है। ये यहां पर कहां पर जा रहा है, इधर हम इससे वॉल्व से इसको कनेक्ट कर देंगे और वो वॉल्व कहां पे कनेक्टेड है, हमारी वॉटर बॉटल पे कनेक्टेड है। तो ये बहुत बेसिक सा सेटअप है जो आपको यहां पर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब सुनील सर आप उड़ाएंगे, वो वीडियो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन उससे पहले बेसिक सा मैं आपको इसके पीछे का साइंस बता देता हूं कि होगा क्या इसके अंदर। तो देखो बेटा आप क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली इसके अंदर हवा डाल रहे हो, राइट, आप इसके अंदर हवा डाल रहे हो, आप इसके अंदर हवा को फिल कर रहे हो। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, आप सुनिए। देखो पहले मान लो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आधी तो पानी से भरी हुई थी बॉटल, है ना। अब आधी में कुछ एयर पहले ही अवेलेबल थी। अब आप जब उसके अंदर और एयर को डाल रहे हो, आप इसके अंदर और एयर को क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर और हवा भर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मान लो पहले 1000 आपके पास एयर के पार्टिकल्स थे, नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 5000 एयर पार्टिकल्स। तो सुनील सर इससे क्या होगा,
भाई पहले 1000 पार्टिकल्स थे, अब ये 1000 पार्टिकल्स यहां पर करेंगे क्या? मैं बहुत ही छोटा वाला पार्ट ये वाला बता रहा हूं आपको बना के। तो ये 1000 पार्टिकल्स या तो एक खुद से कोलाइड करते हैं या ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर यानी जिसमें कंटेंट है उससे कोलाइड करते हैं। इतना तो आपको पता है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे फ्लूइड्स के पास। तो ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे, खुद से भी भिड़ेंगे और वॉल्स से भी जाके भिड़ेंगे। दैट मींस दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस पर यूनिट एरिया, दैट इज ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब पहले 1000 थे, अब हमारे पास 5000 हो गए, तो हमारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो एक तरीके से क्या है, बढ़ चुका है। भाई प्रेशर जो है, अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। समझदार बच्चों को समझ में आ रही है, प्रेशर बढ़ चुका है सुनील सर। अब प्रेशर बढ़ चुका है बेटा, तो अब प्रेशर बढ़ गया है तो हम यहां पर ये भी देख सकते हैं कि जो फोर्स दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया, जो फोर्स इस हर एरिया पे अप्लाई हो रहा है ना, ये क्या होगा कि ये एक दूसरे को हर डायरेक्शन में कैंसिल कर देगा। जैसे मान लो साइडवेज का अगर मैं देखूं बॉटल के साइड में, तो ये बॉटल के साइड वाला पार्ट भी क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और टॉप और बॉटम वाला भी जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अभी मैं सिर्फ ये चार डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं। अब मान लो जैसे ही मैंने बॉटल को नीचे से खोल दिया, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स नीचे लग रहा था वो पानी को बहुत स्पीड से नीचे की तरफ लेकर जाएगा, और अब बस एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि ऊपर की तरफ है, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस सिस्टम में आ जाएगी और रॉकेट बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस वाटर बॉटल रॉकेट के ऊपर एक तो ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, एक तो नीचे इसको ग्रेविटी फोर्स खींच रहा होगा और एक इसके ऊपर ड्रैग फोर्स ऊपर से लग रहा होगा। ये ड्रैग फोर्स एक तरीके से आप मान सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज बीन अप्लाइड बाय द एयर, यानी एक तरीके से जो फ्रिक्शन एयर अप्लाई करती है दैट इज नोन एज द ड्रैग फोर्स। ठीक है, अभी हम इतना ज्यादा डीप फिजिक्स में नहीं जाएंगे बिकॉज अभी ये चीजें आपके सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं है। हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर मैं आपको इस चीज को सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपको समझाऊंगा कि फिन्स भी एक्चुअली कैसे काम करते हैं। अब आप इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने नीचे से बॉटल को ओपन किया, तो पानी के ऊपर जो इंटरनल प्रेशर है वो हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है और पानी हाई स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एक एक्शन फोर्स जनरेट करेगा। एंड वी नो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड दिस इज इन रिगार्ड विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी इसके ऊपर और वो रॉकेट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। ये इसके पीछे का बेसिक सा साइंस था। अब मैं आपको फटाफट से फिर से वीडियो दिखा देता हूं, मैंने जो डिफरेंट तरीके से इसको रिकॉर्ड किया, प्लीज देखिए, एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा बच्चा लोग।